हेलो दोस्तों, मोबाइल टेक सीरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मेरे पास एक रेडमी का 4A या शायद 4X मॉडल रिपेयर होने के लिए आया है, तो चलिए इसको देखते हैं रिपेयर होता है कि नहीं। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जब इसको हम ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए पावर बटन से दबा रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इसको चार्जिंग लगाएंगे तो ये MI का लोगो शो करके उसके बाद बंद हो जाएगा। दोस्तों इसको पूरी तरह से डेड तो नहीं कह सकते, लेकिन देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ एक बार लोगों दिखाता है चार्ज लगाने के बाद, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं। तो चलिए एक बार फिर से चार्ज लगा के देखते हैं। वही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो चलिए फ़ोन को पहले डिसेंबल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने इस फ़ोन को डिसेंबल कर लिया है। पहले इसकी बैटरी कनेक्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शील्ड वगैरह निकाल रखी है, लगता है किसी भाई ने पहले भी इसको रिपेयर करने की कोशिश की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर निकाल के शॉर्टिंग चेक करेंगे, बोर्ड में शॉर्टिंग हाफ या फुल या शॉर्टिंग है कि नहीं। तो इस तरफ तो रीडिंग सही आ रहा है, दूसरा साइड शॉर्ट है जो कि शॉर्ट ही होता है, और रिवर्स प्रॉब्लम में ये भी दोस्तों वैल्यू सही आ रही है। तो प्राइमरी लाइन में तो शॉर्टेज नहीं दिखी दोस्तों। अब इसके बाद हम
एक बार डीसी 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट करके चार्जिंग लगा के देख लेते हैं कनेक्टर पे चार्जिंग आ रही है कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि पूरी 4.2 वोल्टेज ना मिलने की वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, इसलिए सेट ऑन नहीं हो पाता। तो चलिए हम इसके बैटरी कनेक्टर पर चार्जिंग चेक करके देख लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज भी ठीक आ रही है। बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं, बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज शो नहीं कर रही है, बैटरी बिल्कुल भी वोल्टेज शो नहीं कर रही। या तो इसका मतलब दोस्तों बैटरी ख़राब हो चुकी है, या फिर सेकेंडरी लाइन में कहीं आईसी वगैरह में शॉर्टिंग है जिसकी वजह से बैटरी डेड हो गई है। चलिए एक बार कनेक्टर को लगा कर और दोबारा से चार्जिंग में लगा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। चार्जिंग तो दोस्तों इसने शो किया है, लोगों 100% दिखा रही है, लेकिन ये एबनॉर्मल रीडिंग लग रही है क्योंकि बैटरी में 0 वोल्ट 100% दिखा नहीं सकती। चलिए ऑन करके देखते हैं दोस्तों, देखिए वही प्रॉब्लम है, ये फिर से लोगों दिखा के ऑफ हो गया। तो इसमें दोस्तों अब दो चांस हो सकते हैं, या तो इसका बैटरी ख़राब हो गया हो, कई रात भर कस्टमर चार्ज लगा के छोड़ देते हैं उसकी वजह से बैटरी ख़राब हो जाता है, या फिर आईसी वगैरह में शॉर्टेज आ जाती है। तो मैं आपको दोस्तों सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप बैटरी चेंज करके देखें। ये मेरे पास दूसरी बैटरी है, इसको लगा के देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता तो फिर इसके बाद हम सेकेंडरी लाइन को चेक करेंगे कि उसमें शॉर्टेज वगैरह तो नहीं है कहीं। तो पहले इसको चार्जिंग लगा लेते हैं, लोगों तो शो किया है। देखिए दोस्तों ये चार्जिंग शो कर रहा है, चार्जिंग नीचे रेड लाइट आप देख सकते हो वो भी आ गया। आप इसको ऑन करके देखते हैं, कई बार दोस्तों MI में मैंने देखा है अधिकतर MI के सेटों में बैटरी चेंज करने से बहुत सारे सेट ऑन हो जाते हैं, मोस्टली इनमें बैटरी का प्रॉब्लम आता है। ठीक ढंग से प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ बटन, आप देखते हैं ऑन करके। हाँ दोस्तों ऑन तो हुआ है, हाँ दोस्तों ये लोगों से आगे बढ़ गया है। अभी पूरा ऑन होने देते हैं, देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। चार्जिंग भी वायर को भी निकाल दिया है कि अच्छे से चेक कर पाएं। हाँ दोस्तों ये सेट ऑन हो गया है। तो इसमें दोस्तों बैटरी का ही प्रॉब्लम था। अब अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो सेट के आईसी वगैरह से छेड़खानी करने से पहले आप बैटरी चेंज करके देखें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।